नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बेगूसराय से करते हैं। बेगूसराय में एक बार फिर अवैध संबंध के कारण एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के रजाकपुर की है। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी मंटून शाह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नावकोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले रितेश कुमार का अपने ही पड़ोस में रहने वाले मंटून शाह की पत्नी से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मंटून शाह के पास पहुंची तो उसी वक्त उसने रितेश कुमार की हत्या का फैसला कर लिया और फिर किसी बहाने मंटून शाह ने रितेश को बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग का है और लाश मरा हुआ अवस्था में रजाकपुर बहियार में पाया गया है। ये 1 तारीख के लमसम समय 11:30। हमारे बेटा निपता होले तो हमारा यहाँ से फोन भले हम अलिए तो खोजा खोजी कर लिए तो रात खाना सर दुर्गा सर अपना लाश ऊपर कर लिया। 3 रोजा से गायब रहे रात में कल के 11 बजे के बाद गायब हो गया। मिले उन्हें खेत से झाड़ी रहे वही। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में तेघड़ा थाना पुलिस ने मधुरापुर पुवारी टोल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर पर घास के बीच छुपाकर रखी 22 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही मौके से एक मारुति कार, एक बाइक को भी जब्त किया। पुलिस ने मौके से शक के आधार पर 2 महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा बीरपुर थाना पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर भवानंदपुर से 12 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। बेगूसराय में पत्नी के साथ छोटे भाई के अवैध संबंध से नाराज बड़े भाई ने छोटे भाई की सोए अवस्था में सिर कुचलकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई चंदन गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयोग किए गए पत्थर का सिलवट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको या सवेरे मुफस्सिल थाना को सूचना मिली कि उसका जो भाई है वो गाँव में देखा गया है, उसके आधार पर इनके द्वारा छापेमारी की गई, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसके द्वारा बताया गया कि ये हत्या उसी के द्वारा की गई। वो बताया कि वो मसाला पीसने का एक लोढ़ा है होता है, उसी से वो उसका सर कुछ कर मार दिया। कारण के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी से उसके छोटे भाई का कुछ अवैध संबंध था जिसके बारे में वो प्रतिरोध करता था, तो उसके भाई तथा पत्नी दोनों उसके साथ मारपीट करते थे। देश सहित बिहार शरीफ में भी पूरे भक्तिमय वातावरण में गणपति उत्सव शुरू हो गया है, जहां इस मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक भाव भंगिमा में गणपति की प्रतिमाएं बिठाई गई हैं। वहीं बिहार शरीफ के मथुरिया मोहल्ले में भी इस वर्ष माचिस की तिली से इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसमें करीब 1 लाख से भी अधिक माचिस की तिली का इस्तेमाल किया गया है। भगवान गणपति की ये प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये माचिस का प्रतिमा है जो मथुरिया मोहल्ला सब्जी बाजार तिलीपुरम गली में पड़ता है, जो माचिस का तिली का प्रतिमा है। इस पर जो जौ हम उगाए हैं ये 1-2 रोज में उगने वाला है, इससे बेन थाना पुलिस ने एक नकली IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र का कुमार अभिषेक है। बेन थाना में आकर युवक खुद को 2015 बैच का IAS अधिकारी बताते हुए पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ रहा था। संदेह होने पर पुलिस ने उसके ID कार्ड की जांच की तो वो नकली पाया गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नकली IAS को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना में अपराधियों की बहार है और चुप्पी साधे हैं नीतीश कुमार। जी हां, अपराधी तो दिन पर दिन पुलिस को खुली चुनौती देते जा रहे हैं। ताजा मामला पटना से सटे शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी गुमटी का है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने सरारी ग्रिड के पास पटना भेटा मार्ग पर एक कार में जा रहे एक जमीन कारोबारी चिंटू कुमार पर 6 गोलियां चलाकर उसे मारने का असफल प्रयास किया। किसी तरह चिंटू ने कार में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोके भी बरामद किए हैं।
नौगाल लंका कॉलोनी से फुटबॉल से और उधर से चले तो यहाँ पहुँचे और धक्के से आया बाइक वाला और गोली चलाते मतलब निकल गए। कौन थे वो लोग कुछ नहीं नहीं पहचानते। सीतामढ़ी समाहरणालय में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने पोषण माह का शुभारंभ किया। बता दें कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह के बीच ट्रेन से दो बच्चे को बेहोशी की अवस्था में लोगों ने बरामद किया है। दरअसल बड़ौनी कटिहार रेलखंड के दनौली फुलवरिया स्टेशन के निकट ट्रेन में बच्चे के द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने स्टेशन मास्टर से कहकर गाड़ी रुकवाई और ट्रेन से 6 और 7 साल के दो भाई बहन को बरामद किया। दोनों भाई बहन अर्ध बेहोशी की अवस्था में मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बच्चा चोरों के द्वारा दोनों बच्चों को बेहोश कर चोरी कर ले जाया जा रहा था। रहा है लेकर भाग रहा है, इसको कोई बता नहीं रहा है। उसके बाद में उसके अंदर गार्ड साहब को बोले सर जो आप गाड़ी रोकिए, बच्चा दो जा रहा है। उसने गाड़ी रोका, फिर मैं इस दोनों बच्चे को उतारा, फिर स्टेशन ले गए। उन्होंने जीआरपी को कॉल किया है और इसको माँ बाप को भी खबर किया है। सब कुछ बताता है, इसको नशा की गोली जो पड़ा है इसके कारण अभी इसको होश नहीं है। रोहतास जिले के बड्डी ओपी अंतर्गत बड्डी में ही बाइक दुर्घटना में आईटीबीपी के जवान संतोष यादव की मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान सिघमपुरा निवासी के रूप में की गई है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम की सदर अस्पताल भेज दिया गया। ये क्या मामला है? हाँ, एक सूचना मिली कि एक अज्ञात वाहन चालक धक्का मार करके भाग गए हैं। इसका सूचना मिलने पर थाना पुलिस तुरंत आई और उसका आईडी कार्ड से पता चला कि वो जिसका नाम संतोष कुमार सिंह है, जो सिंगरपुरा के रहने वाले हैं, जिसे सदर अस्पताल हॉस्पिटल लाया गया है। तुरंत अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना सदर हॉस्पिटल आए और अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सरमेरा थाना इलाके के वृंदावन गांव में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने एक किसान को पीट पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया जा रहा था कि इसी दौरान रास्ते में दोनों की मौत हो गई। डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि जल्द ही कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पासवान अपने खेत में काम कर रहा था और अपना भैंस चरा उसी में उसकी पत्नी गई थी लाने के लिए, तो पति को गाली गलौज करके वापस भेज दिया। तब ये पति खुद गया वहाँ पे, वहाँ पे जाने के बाद ये बातचीत हुई, उसके साथ मारपीट किया। तो उसको इलाज करने के लिए बुलाया गया, इलाज करने के बाद में फिर यहाँ अपडेट कर गया। रास्ते में अपने खेती करने के लिए अपनी अथी सिटी चला रहे थे गांव से, पूरा वो दुहावा खंडा में बोला जाता है। अच्छा। और भैंस को भी लिए हुए थे, बगल में एक अभी दो खंधा है, उस खंधा में भैंस को छोड़ दिए यार, अपने सिटी तक आ गए। इतने में इनके घर से पत्नी गई खाना लेकर, जब खत्म खाना लेकर गई तो बोली कि अरे भैंसिया चली गई है उधर से घुरा के लेकर। जब भैंस घुरा कर लाने गई तो ये अभद्र व्यवहार करके बोले। बहुचर्चित ठेकेदार रामाशंकर सिंह हत्याकांड मामले में गोपालगंज पुलिस नालंदा पहुंची, जहां कार्यपालक अभियंता सतेंद्र सिंह के पैतृक घर इस्लामपुर के चकदौलत गांव में कुर्की जब्त की गई। आपको बता दें कि ठेकेदार की जलाकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे तीनों अभियंताओं के खिलाफ देश भर में एसआईटी की टीम गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं न्यायालय से कुर्की जब्ती के आदेश आने पर जिला प्रशासन की टीम ने अंचल अधिकारी और नगर सेक्टर के नेतृत्व में तीनों अभियंताओं के आवास की कुर्की जब्ती की है। ठेकेदार की जलाकर हत्या कर दी गई थी, उसी में ये नामजद अभियंता उनका कुर्की करने के आए थे, इनके घर का हो गया। यहाँ सारे गांव, बहुत गांव के सारे आदमी जुटे हुए थे, सब लोग बता रहे थे कि यहाँ वो रहता ही नहीं है। कभी कभार दो चार साल में एक आध बार आया गया, उसके हिसाब से सामान भी कुछ उसके यहाँ नहीं मिला। पलंग है, खाट है, चौकी है, पोशाक है,
सीतामढ़ी के नव पद स्थापित डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा पूरे एक्शन के मूड में दिखी। पदभार ग्रहण करने के बाद पहले दिन सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित सभी सरकारी कार्यालय का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कई कर्मियों की क्लास भी लगाई। वहीं कार्यालय की खराब हालात पर भी कर्मियों पर बिफर पड़ी। समाहरणालय के कई ऐसे कार्यालय थे जिनकी हालात कचरा घर जैसी थी, जिसे डीएम ने तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के छोटे बड़े तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।